हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, जो आपके वेरियस एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस, टू नेम अ फ्यू, AFO, ग्रेड ए, इन सब के अंदर यूज़फुल रहेंगे। ऑलराइट, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्कीम और अ प्रोजेक्ट दैट वॉज देयर इन न्यूज़ फेबररी 2022 के अंदर, ये न्यूज़ में था। उसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा पहले, और फिर इन डिटेल भी उसको डिस्कस करूंगा। ऑल राइट, सो इट वॉज अबाउट द सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर किस क्रॉप को रेफर किया गया है एज बहुकम? बहुकम, ओके। ऑप्शन ए ग्रेप्स, बी सेफ्रॉन, सी लीची, डी मैंगो, ई नन ऑफ दी अबव। आप लोग बहुत शाणे हो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा महाराष्ट्र टाइप वाले एरिया में शाणे शाणे लोग जो होते हैं, स्मार्ट हो, कि अल्टीमेटली सर सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट करा रहे हैं, तो दिस विल बी समथिंग रिलेटेड टू सेफ्रॉन ओनली। तो जिसको नहीं भी आता होगा वो कह देगा कि हाँ सर सेफ्रॉन इसका आंसर है, ठीक है। बट ये तुक्का चलो यहाँ पर तो शायद कामयाब हो भी जाए, लेकिन पेपर के अंदर तो नहीं चलेगा बेटा। तो एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर जो सेफ्रॉन है उसको बेसिकली बहुकम कहा जाता है। सो सेफ्रॉन इज द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। तो अभी के लिए तो तुक्का चल जाएगा, बट आगे नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तीन चार क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर ये पूरे का पूरा न्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट कितना है सेफ्रॉन के लिए? अब यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर आता है तो भी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो दीज ऑल आर योर ऑप्शंस, 50 to 75, 100 to 150 सेंटीमीटर, 75 to 100 सेंटीमीटर, 100 to 150 सेंटीमीटर, और नन ऑफ द अबव। आई कुड हैव गिवन दिस इन mm ऑल्सो, मैं ये mm के अंदर भी दे सकता था। तो मैंने आपको बताया है ना सेंटीमीटर और mm के अंदर क्या करना है। अगर आपको mm में गिवन है और सेंटीमीटर में चाहिए तो डिवाइड बाई 10 कर देना है, और अगर सेंटीमीटर में गिवन है और mm में निकालना है तो इंटू 10 कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो कितनी रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है सेफ्रॉन के लिए? इट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 100 to 150 सेंटीमीटर जो है इसमें सही जवाब रहेगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो, कौन से रीजन में इंडिया के सेफ्रॉन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? और कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, और नन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस? एंड ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गेस भी चल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन ए कश्मीर। कश्मीर के अंदर पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंडिया के अंदर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे IBPS AFO वगैरह के अगर आपने क्वेश्चन देखे हो, एक बार IBPS AFO में क्वेश्चन पूछा कि यार ग्राउंडनट कब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो सिमिलरली मैं पूछ सकता हूँ कि सेफ्रॉन कब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। अभी डिटेल देखेंगे तब सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, नेशनल सेफ्रन मिशन ये सरकार ने कब स्टार्ट किया था, कौन से साल में? 2005, 2008, 2010, 2014 या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, या तो आता है या नहीं आता है, बीच का तो इसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। सो द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन सी 2010, 2010 के अंदर आपका जो है नेशनल सेफ्रन मिशन इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर से मेनली मैंने चारों क्वेश्चंस पिकअप किए थे। तो सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों है, देर इज अ एजेंसी विच इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो इन्होंने एक सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट आज से एक साल पहले शुरू किया था सिक्किम के अंदर। तो इन्होंने ना अभी रिसेंटली अरुणाचल और मेघालय के अंदर भी कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर सेफ्रॉन की कल्टिवेशन की जाती है। सेफ्रॉन की कल्टीवेशन देखो और मेनली अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थी कश्मीर के अंदर, तो अब सरकार कह रही है कि नहीं हम इसको एक्सपैंड करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की आएगी दैट विल बी 17.68 लाख रुपीज फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, वहां पर सेफ्रॉन कल्टिवेशन को एक्सटेंड करने के लिए। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च है, ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, ठीक है। और बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही इसको सपोर्ट करेगा कि कैसे सेफ्रॉन कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंक्रीज किया जाए। अब क्यों हम सेफ्रॉन कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में लेकर के जाना चाहते हैं? 2020 में हम सिक्किम में लेकर के गए थे और अब हम अरुणाचल और मेघालय में कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत कम लोकेशंस के ऊपर, बहुत कम एरियाज में सिर्फ सेफ्रॉन प्रोडक्शन होता है, ज़्यादातर कश्मीर रीजन के अंदर।
सैफरॉन मिशन हमने शुरू किया था 2010 के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे मेजर्स भी हम लेकर के आए थे, लेकिन वहाँ से जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन था जो कवर किया गया नेशनल सैफरॉन मिशन के अंदर, वही बहुत कम था। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ प्रोडक्शन तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ना, ठीक है। और बहुत से रीजन्स के अंदर बोरवेल्स नहीं थे सैफरॉन ग्रोइंग, जहाँ पर क्लाइमेट की सूटेबिलिटी थी, रेनफॉल की अच्छी कंडीशन थी, टेम्परेचर वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो था, पर वहाँ पर फिर बोरवेल्स नहीं थे जो इरीगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। इंडिया अभी अगर हम बात करें 6 से 7 टन सैफरॉन कल्टीवेट करता है, लेकिन अराउंड 100 टन की डिमांड है, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक रीज़न अपने को समझ में आता है कि क्यों हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने DST के थ्रू डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला है कि भैया नए इलाके ढूंढो जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, और जो इसको क्लाइमेट और टेम्परेचर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन सबसे सूटेबल है। पहले सिक्किम और मेघालय और अरुणाचल को अब हम डील कर रहे हैं, ठीक है जी। नौ नॉर्थ ईस्ट को चुनने का एक कारण ये भी है कि जो कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं या क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कश्मीर जैसी आपको सेम कंडीशंस मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनिक सैफरन को ग्रो करने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेघालय के अंदर सैंपल प्लांटेशंस को ग्रो किया गया था, चेरापुंजी, मसमय, ललिंग टॉप साइट्स के अंदर, यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, और ये एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को। तो ये वैलिड रीजन समझ में आते हैं सैफ्रॉन कल्टीवेशन करने के नॉर्थ ईस्ट में। अब हम सैफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सैफ्रॉन जो है इज अ प्लांट जिसके जो ड्राइड स्टिग्माज होते हैं, ठीक है, जो थ्रेड लाइक पार्ट होता है ना फ्लावर का, जो आपको फ्लावर के सेंटर के अंदर, जैसे अगर ये आपका एक फ्लावर है तो फ्लावर के सेंटर में आपको जो पेटल्स दिखती हैं, ठीक है, जो थ्रेड लाइक पेटल्स होती हैं, जो जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, बेसिकली पेटल तो पत्तियां होगी, जो स्टिग्माज होते हैं, ठीक है, उनको यूज किया जाता है सैफ्रॉन बनाने के लिए। काफी एक्सपेंसिव एक स्पाइस इसको कंसिडर किया जाता है बिकॉज प्रोडक्शन बहुत लो होती है, ठीक है। सैफ्रॉन कल्टिवेशन इज बिलीव टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, कश्मीर के अंदर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल एशियंस जो इंडिया के अंदर आए थे अराउंड 1st सेंचुरी BC के अंदर, उन्होंने कश्मीर के अंदर सैफ्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था, और अब तब से ये कश्मीर का एक ट्रेडिशन बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है। कश्मीर के अंदर जो भी क्यूजाइंस या खाना वगैरह आप देखोगे उसके अंदर केसर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। काफ़ी प्रीशियस है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर इसको बहुकम के नाम से जाना जाता था, ओके। एंड इट इज़ कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन करेवा, जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली जो हाईलैंड एरियाज होते हैं, ठीक है, जो हाईलैंड एरियाज होते हैं जिनको J&K में लोकल टर्मिनोलॉजी में करेवास बोला जाता है, वहाँ पर इसको बेसिकली कल्टिवेट किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन अगर वो पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग, क्रॉप इज ग्रोन इन कारेवा रीजन ऑफ J&K, इस तरीके से, ठीक है, या कारेवा विच आर फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ सैफ्रॉन इज फाउंड इन विच स्टेट और इन विच रीजन, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सीजन की बात करें, इंडिया के अंदर हम सैफ्रॉन सीड्स जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं जून और जुलाई के महीने में, और कुछ जगहों पर अगस्त एंड सितंबर में भी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। फ्लावरिंग अगर जून और जुलाई में आप कर रहे हो तो अक्टूबर में आपकी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कंडीशंस की बात करें तो ऑल्टीट्यूड सैफ्रॉन जो है 2000 मीटर अबव सी लेवल के ऑल्टीट्यूड पे अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। एंड इसको कम से कम 12 घंटे का अच्छा फोटो पीरियड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है जी। सॉइल की अगर हम बात करें, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स के अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर जो ग्रोथ होगी वो होगी आपके कैल्सीरियस सॉइल के अंदर, जहाँ पर आपका जिस सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी अबंडेंस में होता है, जहाँ पर ह्यूमस रिच सॉइल हो एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और pH जो है 6 से 8 के बीच में हो, ठीक है। तो बेसिकली एसिड टू न्यूट्रल को ये थोड़ा सा प्रेफर करता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, आपको क्लाइमेटोलॉजिकल समर और विंटर आपको चाहिए, ठीक है। समर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, और विंटर्स में -15 से -20 से नीचे नहीं जाना चाहिए। रेनफॉल की अगर हम बात करें, 1000 to 150 mm, मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में दिया था, तो 100 to 150 cm भी आप कह सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद सैफ्रन प्रोड्यूसिंग रीजन्स की बात करें तो सैफ्रन प्रोडक्शन ज़्यादातर, मैंने आपको बताया ना कि J&K के अंदर ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहा है, और पेम्पोर रीजन जो है उसको सैफ्रन बाउल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना वो, जो मेजर
कंट्रीब्यूटर है आपके सेफ्रॉन प्रोडक्शन का इंडिया के अंदर। पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, इसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा उसमें इसमें से क्वेश्चन डालूंगा, अभी बता रहा हूँ आपको। और उसमें मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि इंडिया के अंदर कौन सी साइट्स हैं जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर कवर्ड है, ठीक है। तो ये पेम्पोर जो सेफ्रॉन है इसको भी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर कवर किया गया है। उसके अलावा बुदगाम, श्रीनगर, किश्तावर डिस्ट्रिक्ट जो हैं J&K की, वहाँ पर भी आपका सैफ्रॉन प्रोड्यूस किया जाता है। और कश्मीरी सैफ्रॉन को रिसेंटली GI टैग स्टेटस भी मिला है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस इन सैफ्रॉन, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सैफ्रॉन में? क्रॉसिन, सैफ्रोनल, पाइक्रोक्रॉसिन, नन ऑफ दी अबव और ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगेन या तो आता है या नहीं आता, तुक्का लगा करके क्या कर लोगे, ठीक है। सो राइट आंसर इस केस में क्या है? इस केस में राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पाइक्रोक्रॉसिन। तो कश्मीरी सैफ्रॉन की खास बात डिस्कस करते हैं, जो इसको GI टैग प्रोवाइड किया गया, क्या इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये इकलौता ऐसा सैफ्रॉन है जिसको आप 1600 मीटर से 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल पे भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसके जो स्टिग्मास होते हैं, ठीक है, जो थ्रेड्स होते हैं वो लंबे होते हैं और थिक होते हैं बाकी से, ठीक है। और नेचुरली डीप रेड कलर्ड होता है, अरोमा खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, फ्लेवर इसका थोड़ा सा बिटर फ्लेवर आपको मिलेगा, और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो कम्प्लीटली केमिकल फ्री होती है। इसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन मिलेगा आपको, जो कलरिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है केसर को, सेफ्रेनल जो फ्लेवर प्रोवाइड करता है, और पाइक्रोक्रॉसिन जो बिटरनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि कलर, फ्लेवर और बिटरनेस तीनों को प्रोवाइड करने वाला बाकी के सेफ्रॉन से हाई क्वांटिटी के अंदर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट गाइस, तो आज का मेरा एजेंडा मेनली इस वीडियो में यही था कि हम ये जो आपका सैफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट है इसको डिस्कस कर लें। ये हमारा हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर चैट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF भी वहीं पर डाल दूंगा। एंड दोस्तों, चैनल को शेयर ज़रूर करें, एंड सबसे पहले तो खुद से सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोटिवेशन रहने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।